दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत बरखेड़ा बैस गांव में एक मासूम बच्चे के खुले बोरवेल में गिर जाने के बाद हड़कंप के हालात बने हुए हैं। वहीं समय रहते प्रशासनिक पुलिस स्तर पर सूचना मिल जाने के बाद बचाने के लिए रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही पटेरा थाना पुलिस के बाद सबसे पहले हटा SDM अभिषेक ठाकुर मौके पर पहुंचे, बाद में हटा विधायक PL तंतुवाय भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद कलेक्टर SP भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू प्रारंभ किया गया। आखिरकार प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई है उस वजह से मासूम बच्चे को बचाने के समय रहते कारगर प्रयास सार्थक होते नजर आ रहे हैं। इसकी उम्र करीब करीब 4 साल या 4 या 5 साल होगी। यह अपने खुद के ही यानी कि पिताजी का जो बोर बना हुआ था ट्यूबवेल जो करीब करीब 20-25 फीट गहरा है उसमें अचानक गिर गया है। जैसे ही संज्ञान में आया है प्रशासन की पूरी टीम और SDRF की टीम जो है मौके पर पहुँच गई है। आपका JCB पोकले मशीन जो है उसे खुदाई कार्य जारी है और उम्मीद है कि उसको जो है शीघ्र जो है निकालने की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर SDMS जो भी कलेक्टर साहब भी मौके पर हैं और पूरी प्रशासन की टीम जो है बड़ी मुस्तैदी से इस बच्चे को निकालने में जुटी है। सर 1 o'clock के बीच में हम लोगों को एक मैसेज मिला था कि बरखेड़ा में यहाँ पे एक बच्चा जो है बोरवेल में गिरने की मैसेज आया थी। तुरंत हम लोगों की SDRF की टीम से, स्वास्थ्य की टीम से, PHE की टीम से और जो बाकी अपने टीम से तुरंत अपना यहाँ पे घटनास्थल पे हम लोगों ने रवाना किया है और पहला जो है अपना SDRF की जो SOP के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी करने के लिए बोला है। यही प्रयास है कि जितने भी वहाँ पे बच्चे को कैसे हम लोग जो है विद पॉसिबिलिटी हो तो लाइफ के हिसाब से बाहर लेके आने के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। कोशिश यही किया जा रहा है कि जितना हम लोगों को टोटल डिगिंग करके वहाँ से लेके आने की है वो कंप्लीट करने की स्थिति में अगले 15-20 मिनट में रहेंगे।